हाँ जी सत श्रीकाल जी, एक बार फिर तो थोड़ा सारा का बहुत बहुत स्वागत है इस समाज सिक्ख्या क्लास के बेटा वेलकम लाइफ का अगला पार्ट लेके इसी हाजिर है। इस तो पहले अभी बहुत कल भी प्रश्न लिखते हैं, अभी खाली थावा जड़िया इस न संबंधित कुछ कर जा रहे हैं। अठवीं श्रेणी दियाँ यह वेलकम लाइफ की बुक जो कुछ PDF थोड़े नाल साझी कर रहे हैं। सब तो पहला जिस तरह लिखा हुआ शरीर की सफाई राही डैश प्राप्त की जा सकती है। तो शरीर की सफाई के राही सानू सारे पता है तंदुरुस्ती ते चंगी सेहत भी लिख सकते हो या तुसी तंदुरुस्ती लिख सकते हो। नाल नाल तुसी लिखते जाओ या टिक करते जाओ ध्यान नाल सुन के। तां पहली खाली थां है शरीर की सफाई राही डैश प्राप्त की जा सकती है। तो खाली थां दे विच असीं लिखांगे तंदुरुस्ती या चंगी सेहत। नंबर दो दे उत्ते जी सानू हर रोज डैश खाली थां अते खाली थां नाल चंगी तरह नहाउणा चाहीदा है। किस नाल चंगी तरह नहाउणा चाहीदा है? सानू हर रोज साबण अते पाणी नाल, पहली खाली थां दे विच असीं साबण लिखांगे ते दूसरी दे विच लिखांगे पाणी नाल चंगी तरह नहाउणा चाहीदा है। अगला तीन नंबर दे विच सानू परिवार विच सारिआं नूं अलग अलग डैश अते डैश दा इस्तेमाल करना चाहीदा है। किहड़ी किहड़ी चीज़ दा सानू जिहड़ा अलग अलग इस्तेमाल करना चाहीदा है? तां सानू परिवार दे विच सारिआं नूं अलग अलग तौलीए अते कंघे का जिहड़ा इस्तेमाल जिहड़ा अलग अलग करना चाहिए। ठीक है जी, तौलीए अते कंघे तीसरी खाली थां दे विच लिखांगे असीं। पहले दी विच तौलीए ते दूसरी दे विच कंघे का इस्तेमाल सानू अलग अलग करना चाहिए। सांगों खंघण अते छिकण समय अपने मुँह अते नक नूं डैश नाल ढकना चाहिए। किस चीज़ नाल ढकना चाहिए है तां सानू सारे नूं ही पता है, रुमाल दे नाल सानू अपने नक अते मुँह नूं ढकना चाहिए है। पांच नंबर दे विच नशे साडे शरीर नूं डैश कर देंदे हन, खाली थां की कर देंदे हन? खोखला कर देंदे हन। ते इत्थे असीं लिखांगे जी पांच नंबर दे विच खोखला कर देंदे हन। छे नंबर दे विच स्वैन निरंतर नाल अपनियां खाली थां ते काबू पाया जा सकदा है। किस चीज़ ते काबू पाया जा सकदा है? भावनावां ते। स्वैन निरंतर दे नाल अपनियां भावनावां ते की आ काबू पाया जा सकदा है। छे नंबर दे विच असीं भावनावां लिखांगे जी। सत्त नंबर है जी, सत्त नंबर दे विच है स्वै निरंतर द्वारा अपनी डैश विच होर निखार लियाया जा सकता है। किस चीज़ दे विच होर निखार लिया जा सकता है? इत्थे असीं दो चीज़ां पढ़ सकते हैं, जां असीं काबिलियत लिख सकते हैं जां योग्यता। ठीक है जी, स्वैन निरंतर दे द्वारा असीं अपनी काबिलियत अते योग्यता दे विच जिहड़ा अपना निखार लिया सकते हैं होर ज्यादा है। सत्त नंबर दे विच असीं जिहड़ा काबिलियत अते योग्यता ये भरांगे। अठ दे विच है जी निरंतर खाली थां द्वारा अपने स्वै विश्वास विच वाधा कीता जा सकदा। किस चीज़ द्वारा निरंतर असीं वाधा कर सकते हैं? अभ्यास। ठीक है, प्रैक्टिस, जिस तरह असीं बोलते हैं प्रैक्टिस मेन ए मैन परफेक्ट, तो उस तरह ही निरंतर जी लगातार प्रैक्टिस करन दे नाल अभ्यास करन दे नाल। तां अठ नंबर दे विच असीं लिखांगे अभ्यास द्वारा अपने स्वै विश्वास विच वाधा कीता जा सकता है। अगे नौ नंबर दे बजुर्गां कोल तजर्बा महान, बजुर्ग हुंदे घर दी खाली थां, तां इस दे विच आएगा जी छान। बजुर्गों को तजर्बा महान, साडे परिवार के जिहड़े भी बजुर्ग आ उन्होंने कोल बहुत सारा तजर्बा है, इस कारण जिहड़े बजुर्ग आ साडे घर दी की आ शान आ। तां नौ नंबर दे विच असीं की भरांगे? शान। दस नंबर है जी सानू अपने बजुर्गों का करना चाहीदा है, खाली थां की करना चाहीदा है जी? सत्कार करना चाहीदा है। दस नंबर दे विच असीं भरांगे सत्कार, नाल नाल लिखदे जाओ। 11 नंबर है जी अपने बजुर्ग नाल खाली थां नाल बोलना चाहीदा है, किस तरह बोलना चाहीदा है? बजुर्गों के नाल सानू निम्रता, तो 11 नंबर दे विच असीं पढ़ांगे निम्रता दे नाल सानू उन्हां नाल बोलना चाहीदा है। 12 नंबर है जी वड्डियां दी गल खाली थां नाल सुननी चाहीदी है, किस तरह सुननी चाहीदी है? ध्यान दे नाल। ठीक है, इत्थे असीं लिखांगे जी 12 नंबर दे विच ध्यान दे नाल सानू वड्डियां दी गल सुननी चाहीदी है। वड्डियां दी आग्या दा डैश करना चाहीदा है, की करना चाहीदा है? खाली थां की करना चाहीदा है? वड्डियां दी आग्या दा पालन करना चाहिए। तो बड़े आसान है, बहुत ही आसान बुक है, 50 नंबर का पेपर आना, तो सानू इस तो वो नंबर प्राप्त करना चाहिए। वड्डियां दी आग्या दा सानू की करना चाहिए? पालन। 13 नंबर दे विच असीं की लिखांगे? पालन करना चाहिए है। 14 नंबर है जी घरेलू कामां विच अपने परिवार की खाली थां करनी चाहिए, की करनी चाहिए? सानू मदद करनी चाहिए। 14 नंबर दे विच असीं पढ़ांगे मदद, सानू परिवार की करनी चाहिए है? मदद करनी चाहिए है। 15 नंबर है जी अज दी खाली थां कल दी कल दा सुरक्षित जीवन, तां अज दी सावधानी कल दा सुरक्षित जीवन, तां 15 नंबर दे विच भरांगे असीं सावधानी। 16 नंबर है जी मनुखी जिंदगी कुदरत दा अनमोल खाली थां है, तोहफा। अनमोल की है? तोहफा है। तां 16 नंबर दे विच असीं भरांगे तोहफा। 17 नंबर है सड़क ते कीती छोटी जिही खाली थां साडी कीमती जिंदगी लै सकदी है, कीमती जिंदगी लै सकदी है छोटी जिही की गलती। ठीक है जी, तां 17 नंबर दे विच असीं पढ़ांगे छोटी जिही गलती या लापरवाही। ठीक है जी, लापरवाही जे असीं करदे हां तां साडी उह कीमती जिंदगी असीं गवा बैठदे हां। तां इस तरह इह खाली थां असीं भरदे जाणा हैगा। 18 नंबर जिहड़ी खाली थां हैगी आ साडे कोले उहदे विच है जी मनुख अपनी खाली थां कारण कुदरत दी सब तों उत्तम रचना है। की है? मनुख अपनी खाली थां दिमागी जिहड़ी ताकत आ जिहड़ी मनुख कोले है, प्राणी कोले इको एक जिहड़ा दिमागी ताकत है उसके कारण जिहड़ी उत्तम रचना है। तां जिहड़ी इह खाली थां हैगी है इसे विच असीं लिखांगे दिमागी ताकत। 18 नंबर दे विच दिमागी
ताकत। हर प्राणी या वस्तु दी कुदरत विच एक महत्वपूर्ण खाली थां है। हर प्राणी या व्यक्ति दी कुदरत विच एक महत्वपूर्ण खाली थां की है जी, भूमिका। हर एक चीज़ की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, तो इस दे विच असीं भूमिका लिखांगे। सारे जीवत भी नंबर है जी, प्राणियां प्रति दया की भावना रखना संविधान अनुसार साडा मौलिक की है जी, की है जी, मौलिक कर्तव्य है। साडा एक मौलिक कर्तव्य है सारे जीवां प्रति प्राणियां प्रति भावनावां रखना संविधान विच साडा एक मौलिक कर्तव्य है। तो 20 नंबर दे विच असीं कर्तव्य भरांगे। 21 नंबर दे विच समस्या नूं हल करन लई वक्खो वक्खरे खाली थां लभणे चाहीदे हन, तां वक्खो वक्खरे विकल्प लभणे चाहीदे हन, ठीक है जी, वक्खो वक्खरे विकल्प लभणे चाहीदे हन। 12 नंबर दे विच है जी, खाली थां नाल हारना अते खाली थां नाल जितना चंगी खेड भावना दा केंद्र बिंदू है। शान नाल हारना अते निमरता नाल, यानी कि जितन दे हारन ते सानूं कोई ऐसा नहीं है कि सानूं बहुत ज़्यादा महसूस मान लो उदास होना चाहिए, तो सानू महसूस करना चाहिए कि साड़ी हारन का कारण की है, तो जितने के टाइम भी सानू निम्रता रखनी चाहिए। तो शान नाल हारना अते यानी कि माण महसूस करना, कोई गल नहीं असी इस बार हारे हैं अगली बार असी जितांगे, तो शान नाल हारना अते निम्रता नाल जितना चंगी खेड भावना का केंद्र बिंदू। एक चंगी खेड अपनी असफलता तो एक चंगा खिडारी सॉरी अपनी असफलता तो लैंदा है खाली थां की लैंदा होया अगे वधदा है, कि सबक लैंदा होया वह अगे वधदा है। ਤਾਂ 23 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਸਬਕ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਕੀ ਹਨ ਜੀ, ਫਰਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਫਿਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਵੈਲਕਮ ਲਾਈਫ ਦਾ 8ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਪਾਠ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।